इसको ना अभी तुम्हारा मदद का जरूरत नहीं है, और वैसे भी बंदर क्या जाने ब्रांडेड का स्वाद। तुमसे बढ़कर यहाँ बंदरिया कौन है अम्मा जी? अरे लाली, ये इसलिए तुम्हारा चप्पल नहीं लेगा क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ है, तुम्हारा छोड़ा हुआ है, और जा छोड़ा हुआ कोई भी चीज ना इनको पसंद नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि ना मुजफ्फरपुर में सब इसको ना छोड़ी हुई औरत कहता है। हमारे गांव में ना कहावत है कि शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। तुमसे तो इतना भी ना ही हो पाया, तो लो हमारा जवाब सुनकर तुम अपना मुंह पीट लो। हम तुमको छोड़ा हुआ और छोड़ी हुई का मतलब समझाते हैं। अम्मा जी, तुम्हारी बेटी का छोड़ना बाबू होने से पहले हमारा बेटा गुटवा हमारी बहुरिया का पति था, यानी हमारी बहुरिया पहले और तुम्हारी बेटी बाद में। उस हिसाब से दूसरी औरत तुम्हारी बेटी है, हमारी बहुरिया नहीं। अम्मा जी, आज आपने उनसे जो कुछ भी कहा ना, उनको बहुत बुरा लगा होगा। तो उन्हें खुश करने के हिसाब से भी ना ही बोले थे। हाँ अम्मा जी, लेकिन क्या जरूरत थी? हम आ गए तुम लोग? हाँ माँ, आ गए। अच्छा, तुम लोग जाओ, हाथ मुंह धो के आ जाओ। अरे बहुरिया, वो बुढ़ी गोरी को लगाम लगाने के चक्कर में हम तो पूछना ही भूल गए, जिस काम से तुम गई थी हुआ कि नहीं? नहीं अम्मा जी, सेंटर के लिए जगह तो नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है मिल जाएगी। रुको, हम गुड़वा से बात करते हैं, वो जगह का इंतजाम कर देगा। नहीं अम्मा जी, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। हमने कहा ना, हम ढूंढ लेंगे जगह। एक चप्पल तुम्हारी टूट गई है तो दूसरी चप्पल लेने के लिए तुम 10 बार सोच रही हो। बिना पैसे के संदर कैसे चलाओगी? क्या हुआ माँ, आपकी चप्पल कैसे टूट गई? नहीं, वो बस ऐसे ही बनवा लेंगे। तो ठीक है, तुम अपनी चप्पल बनवाओ और हम तुम्हारी सिलाई सेंटर की जगह का इंतजाम कर देते हैं। अम्मा जी, हम इस घर में केवल आपको दिए वादे के कारण रह गए, अब हम और एहसान नहीं लेंगे उनसे। अरे बहुरिया, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? हमारा गुटवा बदल गया है, उसे हम सबकी फिक्र है। हम चलते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी रुकिए। तू बहुरिया की टूटी चप्पल देख के उसको नई चप्पल दिलाना चाहता था ना, तो उसको नई चप्पल नहीं चाहिए, उसको नया काम चाहिए। वो अपना सिलाई सेंटर फिर से शुरू करना चाहती है, और ऑर्डर के लिए उसने बाजार में बात भी कर ली है, पर उसको अपने सिलाई सेंटर चलाने के लिए जगह की जरूरत है। तो अगर तू मदद कर दे तो। अम्मा जी, कहना रहने दीजिए, हम जगह ढूंढ लेंगे। बहुरिया, दुकान के लिए जगह ढूंढना तुम्हारे बस का नहीं है, ये मर्दों का काम है। लाली, आप अगर जामाई बाबू ना उसको सिलाई सेंटर के लिए जगह दिया ना, तो उसको किराया भी देना पड़ेगा। हम समझ रहा है, ये लोग ना धीरे धीरे अपना असली रूप में आ रहा है। तुम जल्दी से कुछ करो लाली, नहीं तो बाद में कुछ भी करने का समय नहीं रहेगा। तुम एक काम काहे नहीं करते? हम देखे हैं, तेरे घर के पीछे एक पुरानी गैरेज है, वो बंद पड़ा है। हमारी बहुरिया उसको साफ करके उसमें अपना सेंटर चला लेगी। अरे 4 मशीने की जगह ही तो चाहिए, और का